जय श्री कृष्ण। मैं कांतिलाल राठी, अध्यक्ष माहेश्वरी हवा समिति जालना। अपना चर्चा का विषय है युवक युवतियों के विवाह में होने वाली देरी। मित्रों, कहा जाता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां की कमी है, जनगणना के आंकड़े भी यही कहते हैं। हम मोटा मोटी यह मान लेते हैं कि 100 लड़कों की तुलना में 88 ही लड़कियाँ है, लेकिन लड़कियों की तुलना में लड़कियां 12% कम है। यह एक वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकारना ही होगा। लेकिन इसकी दूसरी बाजू भी है। दूसरी बाजू यह है कि कुछ लड़के समाज की लड़की नहीं मिलने से अन्य समाज की लड़कियों को अपना रहे हैं। मेरा अनुमान है कि समाज के 12% लड़के अन्य समाज की लड़कियों को ब्याह के ला रहे हैं। ये 12% अन्य समाज की लड़कियां अपने समाज में आने से अपने समाज के लड़के लड़कियों का प्रमाण बराबरी का रह जाता है। जितनी लड़कियां हैं उतने लड़के हैं। अब युवक युवतियों की विवाह की समस्या दो प्रकार की है। छोटे गांव शहरों में रह रहे और कम पढ़े लड़कों की समस्या से तो हम परिचित है ही, लेकिन अब उच्च शिक्षित लड़कियों के विवाह की समस्या भी उभर कर आई है। अब हम बात करेंगे विवाह में होने वाली देरी की। 4-5 दशक पहले शिक्षा का प्रमाण कम था, रिश्ता जोड़ने में ज्यादा मापदंड नहीं लगाए जाते थे, परिवार कैसा है इसको अधिक महत्व दिया जाता था। माँ बाप जो रिश्ता पसंद करते थे वो रिश्ता बच्चों को मान्य रहता था। पढ़ाई कम उम्र में पूरी हो जाती थी तो विवाह भी 22-23 वर्ष में संपन्न हो जाता था। वर्तमान में शिक्षा का प्रमाण बढ़ा है, अब लड़की लड़की की पसंदी को भी महत्व दिया जाने लगा है। लड़का लड़की की शिक्षा, ऊंचाई, एज डिफरेंस, फिर कुंडली मिलान बड़ा कठिन काम हो गया है। लड़का बड़े सिटी का हो और वेल सेटल हो इस बात को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि समाज में जितनी उच्च शिक्षित लड़कियां हैं उतने ही उच्च शिक्षित लड़के भी हैं, लेकिन 95% उच्च शिक्षित लड़कियां विवाह के पश्चात जॉब करना चाहती है और उनको मेट्रिसिटी में जॉब करने वाला ही लड़का चाहिए। अब उच्च शिक्षित लड़के 3 भागों में बटे हुए हैं। एक वे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर भी अपने ही गांव शहर में उद्योग धंधे कर रहे हैं, दूसरे वे जो अन्य छोटे बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, शेष उच्च शिक्षित लड़के ही मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि 70% लड़के ही मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं और 95% लड़कियां मेट्रो सिटी का लड़का ढूंढ रही है, लेकिन मेट्रो सिटी में 70% ही लड़के हैं। मेट्रो सिटी में लड़कियों की तुलना में उच्च शिक्षित लड़के 25% कम है। यह एक वास्तविकता है और यही कारण है कि उच्च शिक्षित लड़कियों के विवाह की समस्या खड़ी हुई है। उच्च शिक्षित लड़के वाले 2-2, 3-3 वर्ष से लड़का ढूंढ रहे, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रिश्ता ढूंढते ढूंढते लड़की की उम्र कब 27-28 वर्ष की हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। समय बीतता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से छूट जाते हैं। उम्र बढ़ जाने के बाद सीमित रिश्ते ही हाथ में रह जाते हैं, फिर उसी में रिश्ता करना उनकी मजबूरी हो जाती है। अब कुंडली मिलाने का फैड भी बढ़ गया है, तलाक का प्रमाण बढ़ रहा है। कुंडली मिलान कर संबंध करने पर भी तलाक हो रहे, इस बात पर हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। रिश्ता जोड़ने में कुंडली मिलान एक बड़ी बाधा बन गई है। मित्रों, समाज में न लड़कियों की कमी है न लड़कों की कमी है, हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी ऊंची अपेक्षाएं कम कर वास्तविकता को स्वीकारना होगा, तभी रिश्ते जुड़ेंगे। हर आए हुए रिश्ते को सकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। सबको बड़े सिटी में ही लड़का मिले यह कैसे संभव है? छोटे शहरों में भी अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। 90% लोग हमारे जैसे ही है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हर रिश्ते में कुछ न कुछ खामियां तो होती ही है, और अच्छा और अच्छे के चक्कर में ना उलझे, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। एडजस्टमेंट में ही जीवन की सार्थकता है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय महेश।